तो आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस, एकदम टेस्टी और दानेदार ऐसा बनने वाला बेसन का हलवा। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताया है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता'स कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो टेस्टी बेसन का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चना दाल को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है घर पे ही, क्योंकि हमें दानेदार बेसन चाहिए, एकदम महीन बेसन नहीं चाहिए। अब हम 1 टेबलस्पून दूध एक बाउल में ऐड कर देते हैं और इसमें कुछ केसर डाल के इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम पैन में घी ऐड करने वाले हैं, ये शुद्ध देसी घी है। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, इसमें हम 1 कप बेसन ऐड कर रहे हैं। सारा मेजरमेंट जो है वो 1 कप बेसन के लिए मैंने बताया है। अब हम आराम से बेसन को इसमें भूनने वाले हैं। गैस की फ्लेम एकदम कम कर देनी है यहाँ पे। ऐसा करने से ही हमारा हलवा जो है वो एकदम टेस्टी बनता है, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से भूनना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पे। ये देखिए बेसन घी को रिलीज करने लगा है और इसका टेक्सचर भी देखिए एकदम दानेदार दिख रहा है ना। कोई कोई क्या करता है कि इसमें सूजी मिला लेता है, लेकिन सूजी मिलाने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा बेसन ऐसा दानेदार हो तो। ये देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है और इससे भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। अब बेसन जो है वो भूनने की लास्ट स्टेप में आ गया है, इसकी खुशबू भी आ रही है। तो हम क्या कर देते हैं, साइड में दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए। दूध हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, बॉईल किया हुआ ही दूध हमें इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए दूध हमारा बॉईल हो चुका है, ऐसा ही गर्म दूध हमें रेडी रखना है। अब ये देखिए इधर हमारा बेसन भी भून रहा है। तो अब यहाँ पे मैं जो हमने केसर वाला दूध बनाया था ना, वो इसमें ऐड कर देते हैं। और जैसे ही हमने ये दूध इसमें ऐड किया, तो आप देख सकते हैं एकदम से झाग क्रिएट होने लगता है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें दाने क्रिएट होने लगते हैं और जो हमारा हलवा जो है वो दानेदार बन जाता है। फिर ये देखिए अचानक से इसमें ये दाने क्रिएट हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया दिखते हैं ये, और हमारा जो बेसन है वो भी फूलने लगता है। ये देखिए आपको पास से इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ मैं। और अब इस समय इसमें हम कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए, मिला लेते हैं थोड़ा सा। और साथ ही इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, ये 1/2 कप चीनी है, इतनी सफिशियंट है। अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसे इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। अब मिला लेते हैं, चीनी को भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं जस्ट कुछ मिनट के लिए। और अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं और इसे भी मिला देते हैं थोड़ा सा। और अब हम इसमें डालने वाले हैं जो हमने दूध को गर्म किया है, उसे तुरंत ही इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें गर्म दूध डालना है और अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये अभी पतला दिखेगा, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा दूध आराम से ये बेसन सोख लेता है। इसे फटाफट से आप मिलाते जाइए, बहुत ही जल्दी से इसमें सारा दूध ऑब्जर्व होने लगेगा और इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बनेगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसन जो है वो पैन को छोड़ रहा है, एकदम बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। और इसका कलर तो देखिए आप, एकदम बढ़िया आया है, क्योंकि हमने इसमें केसर ऐड किया है, अच्छे से इसे भूना है, बहुत ही परफेक्ट हमारा हलवा बना है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम बढ़िया तरीके से, घी भी रिलीज होने लगा है, हमें ऊपर से घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एकदम बढ़िया हलवाई की तरह ही ये बेसन का हलवा हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है, एकदम बढ़िया कलर आया है। अगर आपने सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किए तो आपका भी हलवा इतना ही बढ़िया और इतना ही टेस्टी भी बनेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।